हाय वेलकम आप सभी का। मैं हूँ पीके प्रेम, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दाई जीवे। आइए आज हम लोग नई शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर कुछ टॉपिक्स आप यहाँ यूट्यूब पर ऑनलाइन बताइए, तो इस ओमिक्रॉन की वजह से हम लोग यहाँ पर भी आएंगे और आपके सारे छोटे छोटे टॉपिक को शुरुआत से लेकर के अंत जितने भी चैप्टर्स होंगे हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने का। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो है आपका इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉन थ्योरी? सर ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है? देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन हैं, चाहे आप वायरमैन हैं, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे आप डिप्लोमा करते हैं या आईटीआई करते हैं, सारे लोगों के लिए टॉपिक है, बेसिक सबके लिए जरूरी होता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सर ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होता है, क्यों पढ़ना जरूरी होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी? देखिए, आप अपने दैनिक जीवन में विद्युत का उपयोग करते हो, जहाँ पर पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, बल्ब जलाते हो, फ्रिज, एसी, कूलर, मिक्सर, ग्राइंडर, जितनी भी चीज़ें आप उपयोग करते हो ये किससे चलती है? विद्युत से चलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। कभी कभी आपने गौर किया है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बहती है? एक तार होता है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, जो दिखता भी नहीं है, लेकिन काम और कारामात बड़े बड़े कर जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पर। जैसे एक परिभाषा छोटा सा होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को। किसके? इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे आया, इसी पर हम लोग जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ में कहाँ व्यवस्थित होता है, और हम लोग कहते हैं कि ये चारों तरफ चक्कर काटते हैं नाभिक के। कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर क्लॉकवाइज काटता है कि एंटी क्लॉकवाइज काटता है? पता है नहीं है? तो आज हम आपको चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉनों को भी दिखाएंगे ये किस दिशा में चक्कर काटता है। आप अंतिम तक बने रहिए और आज का टॉपिक बड़ी शानदार होने वाला है और नए तरीके से होने वाला है। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपना आज का इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ध्यान दीजिए कि ये जो दुनिया में जो भी ये इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है तो किसी पदार्थ से ही मिलता है, क्योंकि दुनिया जो बना हुआ किसी पदार्थ से बना हुआ होता है। अगर ये पदार्थ क्या हो, जैसे हमारे हाथ में क्या है आपका, एक देखिए ये पेन है, आपका नहीं है, मेरा है ये पेन। याद रखिए कि ये पेन जो है PEN है ना, PEN पिन। ये पेन में देखिए पहला पी है, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए पदार्थ तीन छोटे से छोटे कण से मिलकर बना होता है, एक होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए PEN पेन, पेन मतलब पी से आपका हो गया प्रोटॉन, ठीक है प्रोटॉन, और ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक, और एन से आपका हो गया न्यूट्रॉन, है ना। कितनी मजेदार चीज है ये पेन, देखिए कभी आपने गौर किया कि पेन PEN ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, लेकिन आप इसमें देखते हैं कौन है प्रोटॉन, कौन है इलेक्ट्रॉन, कौन है न्यूट्रॉन? नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, ये आंखों से आसानी से देखा नहीं जा सकता है मेरे दोस्त, इसीलिए देखते नहीं है, लेकिन जब बनकर निर्माण हो जाता है तो उस वस्तु यानी उस पदार्थ को हम लोग देखते हैं। कब करें सर पदार्थ को देखते हैं? पदार्थ क्या होता है? इसी पदार्थ में होता है, तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? पदार्थ से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है पेन, जो पदार्थ है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और इन्हीं तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको जो विद्युत की जानकारी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना होता है, उसमें सबसे ज्यादा अध्ययन करना पड़ता है आपका किसका? इलेक्ट्रॉन का। किसका? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आया, शुरुआत हम लोग करते हैं कि ये पदार्थ है, तो पदार्थ से शुरुआत करेंगे और इलेक्ट्रॉन खोजेंगे, किसने खोजा, हम लोग इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे, खोजा किसने, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, कितने वजन होते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़िए, शुरुआत करते हैं कि दुनिया जो मिलकर बना होता है वो किसी द्रव्य, द्रव्य यानी पदार्थ। ठीक है, या देखिए क्या बोल सकते हैं इसको, पदार्थ बोल सकते हैं, मेटल। ठीक है, और ये पदार्थ क्या होता है भाई? पदार्थ ये आपका भी पदार्थ ही है वैसे, ठीक है, एक साइज बन गया, एक काम के लिए बन गया, तो एक वस्तु का नाम स्पेशल हो गया PEN पेन, लेकिन ये भी क्या एक प्रकार पदार्थ है। कह रहे हैं कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसे आप छू सकते हो, जिसे स्पर्श कर सकते हो, जो जगह छेक सकता है, जिसमें भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि पदार्थ ये है, तो पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये लोग हम लोग जानते हैं कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ठोस, द्रव, गैस, और ये पदार्थ के इतना ही प्रकार नहीं है,
कई लोग धुरंधर हैं वो जानते होंगे। इसके बाद होता है प्लाज्मा अवस्था, बॉस आइंस्टीन अवस्था, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे प्लाज्मा अवस्था, ठीक है, प्लाज्मा, और उसके बाद आपका बॉस आइंस्टीन, बॉस आइंस्टीन, ठीक। ये सारे भी क्या है, प्रकार, पदार्थ के प्रकार है। लेकिन हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ना है, उस इलेक्ट्रॉन थ्योरी में ये अपना इतना ही से काम चल जाएगा, ठीक है। वो प्लाज्मा अवस्था हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो आगे से क्लास में देखेंगे। आइए, ये तीनों पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस में ठोस किसे कहते हैं, ये बात जानते हैं, ठीक है। ठोस जो होता है, ठोस वह पदार्थ है जिसके आकार, जिसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, समझिएगा। यानी ये जो पदार्थ है ये ठोस है, आपके बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, ठोस है। ये बेंच, टेबल, कुर्सी को किसी डब्बे में घुसा करके, जैसे कोई बाल्टी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी आकृति चेंज नहीं होती है, ठीक है। और जैसे इसका आयतन है, वॉल्यूम है, वो भी क्या होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे, यानी ठोस बोलेंगे। अब बात करते हैं सर लिक्विड का, तो लिक्विड इसी तरह पर बात करें तो आप जानते हैं कि जो आपका लिक्विड होता है उसकी आकृति यानी आकार क्या हो सकता है, क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब ये है कि अगर आप पानी को किसी ग्लास में रख देंगे, जैसे 250 ml पानी है, ठीक है, और 250 ml पानी को अगर आप ग्लास में रख देंगे तो वो कहाँ, ग्लास के आकार का हो जाएगा। अगर कटोरी में रख देंगे तो कटोरी के आकार का हो जाएगा, प्लेट में रख देंगे तो प्लेट के आकार का हो जाएगा। यानी ये जिस जगह पे जाएगा अपना आकार क्या करेगा, बदल लेगा, ठीक है। आइए, जैसे छिपकली किसी शिकार को देखता है तो अपना रंग बदल लेता है ना, उसी तरह ये जिस वस्तु में जाएगा उसी का आकार ये धारण कर लेगा। उसके बाद आए, लेकिन देखिए 250 ml पानी है, क्या 250 ml पानी का मात्रा कम हो जाएगा क्या, उसके आयतन कम हो जाएंगे क्या, नहीं, आयतन कम नहीं होगा। इसलिए आयतन क्या होता है, उसका निश्चित होता है, किसका, द्रव का आयतन निश्चित होता है, ठीक। अब हम लोग बात करें किसका, हम लोग बात करें किसका, गैस का। ये गैस में अगर बात करें तो याद रखिएगा कि गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। आप जिस आकृति में उसे रख सकते हो उस आकृति में आप रख सकते हो। रही बात वॉल्यूम का, आयतन का, तो आयतन भी क्या होगा, बदल जाएगा। देखिए, जैसे अभी क्या एक डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन ये कह सकता है जिसके आकार, आयतन, जिसके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक। वो क्या कहलाता आपका, वो कहलाता आपका लिक्विड का, सॉरी गैस कहलाता, क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पदार्थ के तीनों प्रकार है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉन मिला, नहीं मिला, ये अवस्था हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। गैस की अनिश्चितता की बात करें तो गैस के सिलेंडर में गैस भरा होता है, ठीक है, उसी में देखिएगा मेला में क्या होता है कि उसी गैस को निकाल करके एक दिल वाला गुब्बारा में भर दिया जाता है, तो उसकी आकृति उसके दिल वाला गुब्बारे के समान हो जाता है। और एप्पल वाला देखे हो ना, तो जिसमें वो गैस एप्पल वाले में भर देगा और एप्पल का शेप बना देगा तो उसकी शेप एप्पल की तरह हो जाएगा। देखे ना, मेला में मिलता है वो, ऊपर ऐसे पकड़े हुए ऊपर में पूरा तना हुआ रहता है, छोड़ देगा तो चल जाएगा ऊपर, फिर देखते रह जाएगा तुम, इसीलिए पकड़ के जोर से रखना पड़ता है उसको, ठीक है। कहने का मतलब जिसकी आकृति और आयतन दोनों, अब सर आयतन की बात करें, देखिए जब गुब्बारा में डालिएगा तो क्या हो जाएगा, जितना बड़ा गुब्बारा में डालिए उतना बड़ा हो जाएगा, और उसी गैस को अगर कंप्रेस करके छोटा वाला में डाल दीजिएगा तो उसकी आकृति छोटी हो जाएगी, वॉल्यूम छोटा हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका, आयतन भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ये तीनों पदार्थ के कुछ बातें थी जो हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रॉन मिलेगा कैसे, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, पदार्थ का क्या किया, विखंडन किया। विखंडन मतलब उसे विभाजित किया। पदार्थ का जब विभाजन होता है तो सबसे छोटा टुकड़ा, तो छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, छोटे छोटे कण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं, अणु यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, ठीक है। थोड़ा इसको क्लीन कर देते हैं,
छोटे छोटे टुकड़ों को अपन क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। देखिए मॉलिक्यूल्स, पदार्थ का जब विभाजन होता है तो उसे क्या होता है, बनता है मॉलिक्यूल्स यानी अणु। अणु मतलब क्या, याद रखिएगा कि वह छोटा से छोटा कण, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद हो लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, वो क्या कहलाएंगे, अणु कहलाएंगे यानी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स यहां देखें, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं मिलता तब तक अपनी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर जारी बहस जारी रखेंगे। ठीक है, तो द्रव के छोटे छोटे कण जिसमें मैटर का सभी गुण क्या होता है, मौजूद होता है लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं, इसको और तोड़ा जाना चाहिए, उन्होंने क्या किया, और क्या किया, विभाजन किया इसका। तो अणु यानी मॉलिक्यूल्स के विभाजन के बाद आता है आपका क्या, परमाणु। क्या आता है, परमाणु यानी एटम। ठीक है, यह पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है जो अणु से भी छोटा होता है, अणु के विभाजन के फलस्वरूप यह बनता है कौन, परमाणु। तो परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, वह छोटा से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के गुण मौजूद नहीं होते। आप कहेंगे सर क्यों, देखिए इतना तोड़ा कि ये खुद भूल गया कि वो किस पदार्थ से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो वो सुने ना, इतना मारेंगे इतना तोड़ेंगे कि पता नहीं चलेगा कि सांस किधर से लेना है और निकालना किधर से है। यही हाल हो गया इसका, इतना विखंडन किया कि इसमें पदार्थ का गुण क्या हो गया, मौजूद ही नहीं रहा। मतलब पदार्थ किस पदार्थ से मिलकर बना ये आइटम तोड़ने के बाद ये पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके जो कण हैं, जो छोटे छोटे कण होंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेगा, भाग लेगा। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब अगर कोई केमिकल इफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा ये किस पदार्थ का। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएं, जैसे चीनी होता है, चीनी को इतना पीस दीजिए कि डस्ट हो जाए, इस सड़क पे नहीं देखते हैं कि जो आपके कपड़े पर पड़ जाता है, ऐसा पीस दीजिए और थोड़ा सा उसको लीजिए तो आपको पता नहीं चलेगा वो चीनी का पीसा हुआ है कि चूना का है। ठीक है, या नमक का पीसा हुआ है, थोड़ा सा अब उस डस्ट को थोड़ा बहुत कम मात्रा में चाटेंगे भी ना तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, याद रखिए सर, ये हमारे कहने का मतलब ये समझाना है कि इसमें पदार्थ का गुण कोई मौजूद नहीं रहता, किसमें, परमाणु। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर भी नहीं मिला, तो अब टाल्टन साहब बोले कि इसको तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसको सबसे छोटा कण बोलते हैं। लेकिन छोटा कब, जब इसको भी तोड़ के और छोटा कर दिया तब सबसे छोटा कण तोड़ ही रहा। अरे मान ले किसी भी व्यक्ति को एक ही बेटा है तो इकलौता बेटा है वो, ठीक है, जब तक एक ही बेटा है तब वो इकलौता बेटा है, उस व्यक्ति को अगर दोबारा दो एक बच्चा और हो जाए, बेटा और हो जाए, तब इकलौता बेटा रहा नहीं रहा, इसलिए अब इसको तोड़ करके और छोटा कर दिया तो सबसे छोटा कण वो नहीं रहा। ठीक है, तो चले आगे बढ़े, तो जब एटम यानी परमाणु का विभाजन हुआ तब तीन भागों में विभाजन हुआ, इतना तोड़ा कि परमाणु जो आंखों से नहीं देख सकते आप, फिर भी वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया, तोड़ दिया, और तोड़ा तीन भागों में, तोड़ा तीनों भाग, अलग अलग व्यक्ति तोड़े और अलग अलग उसके नाम होते हैं। आइए, एटम को तोड़ने के बाद आपको मिलता है इलेक्ट्रॉन, क्या मिला, एटम के विभाजन के फलस्वरूप आता है आपका इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। अभी एटम क्या होता है, कहां होता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ा, उसका जो ये पदार्थ का ही पार्ट है ना भाई, तो उसका क्या होगा, एक वजन होगा, वजन यानी मास होगा, और उस पर कहता है कि उस पर आवेश होता है। आवेश के बारे में बात करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण आवेश होता है। ठीक है, ये ऋण आवेश कितना आवेश होता है, इस पर कितने चार्ज होते हैं, इस पर तो इस पर होता है -1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। देखिए चार्ज जो होता है आवेश, उसको मापते हैं किसमें, हम लोग कूलम में, जैसे दूध को मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं हम लोग किसमें, किसमें, लीटर। और जैसे आप किसी पदार्थ चावल गेहूं आटा सब्जी को मापते हैं आप इसमें केजी में, तो उसकी यूनिट होती है, मापने की इकाई होती है, उसी तरह आवेश के मापने की इकाई होती है कूलम, जिसे सूचित करते हैं हम लोग किससे, सी से, कूलम बोलते हैं, कूलम, और इंग्लिश में बोलते हैं COULOMB, कूलम। ठीक है, अगर इस पे आवेश, इसका वेट भी होगा
द्रव्यमान भी होंगे, तो इसका वेट कितना होता है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ये बार बार पूछ ले जाते हैं आपको, ठीक है। वेट होता है 9.107 × 10⁻³⁻³ kg। ये पावर आपको अगर याद रहेगा तो ये पावर अगर है समझ में है तो सब कुछ आपको सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पदार्थ है तो उसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा, और सेंटर होगा तो उसका क्या होगा, त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, तो उसकी रेडियस भी पूछी जाती है आपको 1.9 × 10⁻¹⁫ मीटर। यानी सोचिए ना कि ये मान लीजिए 1.9 मीटर है, उसमें भाग दीजिए इस पर 15 को जीरो से, समझिए कितना, मान लीजिए कि 1 मीटर है, 1 मीटर × 10⁻⁴ का 10⁻³ समझिए, इसका मतलब 1 मीटर का 1000वां भाग। इसी तरह या 0 दे देंगे हो जाएगा 10000वां भाग, या 1 0 दे देंगे हो जाएगा 1,00,000वां भाग। तो सोचिए 10⁻⁰ को जीरो है तो कितना छोटा कण होगा, क्या इसके आप जो कण है नंगी आंखों से देख सकते हैं, नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये आपकी एक याद रखिएगा, ये त्रिज्या किसका है, ये आपके इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन मिल गया लेकिन इस अरेंजमेंट कैसे होता, पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, तब कैसे समझे कि अरेंजमेंट कैसे होगा, ये अरेंजमेंट भी दिखाएंगे, ये किधर से किधर चक्कर काटता है और किसके साथ चक्कर काटता है, चक्कर काटते काटते पड़ोसी के यहाँ भी चला जाता है, तभी आपकी कहानी बनती है। तो आइए आगे बढ़े कि इलेक्ट्रॉन के बाद आता है आपका प्रोटॉन, ठीक है। और इसे याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक क्रश आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन को जो मापते हैं उसमें एक वर्ड आता है AMU, क्या आता है AMU, कह रहा है कि AMU क्या प्रदर्शित करता है, किसी भी पदार्थ का एक क्या मास यूनिट, मतलब किसी भी मास का द्रव्यमान की इकाई को प्रदर्शित करता है, वो होता है AMU, जिसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, ठीक है। आप इसमें केजी में लिखा हुआ हो सकता है, किसी और चीज में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन, और इस पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश यानी निगेटिव चार्ज होता है। आइए प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन भी क्या हुआ, परमाणु के विखंडन के बाद ही मिला, ठीक है। और याद रखिएगा कि प्रोटॉन पे भी आवेश का मान समान होता है, लेकिन वो क्या होता है, धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब यहां देखिए इसके पीछे क्या प्लस लगा हुआ है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम इस पर प्रोटॉन पर आवेश है, लेकिन ये क्या धन आवेश होता है। इस पर बात करेंगे हम लोग, चर्चा करें कि ये धन आवेश और ऋण आवेश, आवेश की चर्चा क्यों करते हैं, तो देखिए इस आवेश का पता लगाए थे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। किसने, याद रखिएगा कि आवेश के प्रकार लिख देते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, आप लिख सकते हैं कि आवेश का पता लगाए थे कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। और ये भी बताए थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ये भी बताए थे कि जब एक धनात्मक है और एक ऋण आवेश है तो दोनों अगर अपोजिट है, अलग अलग है, इन दोनों, ये दोनों आपस में दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अगर समान चार्ज रहेगा किसी भी पदार्थ पर, अगर समान चार्ज है, ठीक है, दो पदार्थ है दोनों पर समान चार्ज है, समान आवेश है, तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सित करेगा। रिपल्सन मतलब ये एक दूसरे को विकर्षित करेगा, यानी रिपल्सन यानी अलग करेगा, ठीक है, एक दूसरे की तरफ धकेलेगा, ठीक है। ये चर्चा हम लोग आगे करेंगे कभी, लेकिन याद रखने के लिए हम आपको बताएं कि इस पे आवेश के बारे में पता किसने लगाया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। और तीसरा जो विभाजन हुआ, तो तीसरा विभाजन हुआ वो था आपका न्यूट्रॉन, क्या था, न्यूट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रॉन का ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जिम्मेदारी। अब देखिए आप सोचिए ना, किसी आप बारात में चले गए हैं तो सबसे अहम भूमिका होता है दूल्हे जी का, तो दूल्हा के बारे में सारा डिटेल, दूल्हा के आगे उसका एक क्या होता है, लंगोटिया यार होता है, दोस्त होता है, उसी के केयर में भी उधर से दूल्हा, दो ही लोगों का। और तीसरा जो बाराती है, न्यूट्रॉन मतलब बाराती समझिए उसको, कोई काम नहीं है, काम ऐसा नहीं है, होना तो जरूरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका, दूल्हा जी का। तो समझिए ना, इलेक्ट्रॉन इस पूरी इलेक्ट्रिसिटी का दूल्हा है, इसी पर सारा निर्भर है, ये नहीं है तो कोई काम नहीं, कोई गाना बजाना डीजे बंद। अब दूल्हा बांध लीजिए नहीं रहे किसी शादी में तो क्या होता है जानते हैं कि नहीं। चलिए
तो इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप कहें सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप बोल दिए, आपने कहा कि अरेंजमेंट होता है, तो ये कैसे अरेंजमेंट होता है किसी भी पदार्थ में, तो ये भी देखेंगे। इसका खोज किसने किया था, विभाजन किए तो किसने किया, इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगा, किसने खोजा, किसने तोड़ा था इसको तो इलेक्ट्रॉन का पता लगा। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में किसने पता लगाया था। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करना, आपको नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं। आइए, इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे किसने, जे.जे. थॉमसन साहब, कब, 1897 ईस्वी में। यह याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश, किसने किया था, जे.जे. थॉमसन साहब ने। ठीक है, और याद रखिए कि उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे किसका, प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन साहब ने किए थे, किसने किए थे, गोल्डस्टीन साहब, याद रखिएगा गोल्डस्टीन साहब। लेकिन एक रदरफोर्ड जी थे, वो बहुत चतुर और होशियार थे, देख गोल्डस्टीन साहब ने खोज किया और रख दिया, हो सकता है कि बेचारे वो नहीं होंगे या कहीं चले गए होंगे या थे कि नहीं वो बात नहीं है पता। तो याद रखिएगा कि नामांकन की जब बारी आई तो क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में जे.जे. थॉमसन साहब ने बता दिया इस पर ऋण आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे वो बता दिए थे गोल्डस्टीन साहब इस पे कि इस पे धन आवेश होता है। ठीक है, एक बात आपको बता दें कि प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया लेकिन वो नामांकन नहीं कर पाए, हो सकता है बेचारा गुजर गए होंगे, ये हमको नहीं पता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद 6-7 साल 8 साल के बाद गोल्डस्टीन साहब देखे कि ये रखा हुआ है, इसके बारे में कोई नामांकन नहीं किया, तो खुद इसका क्या कर दिया, नामांकन कर दिया, इसका प्रोटॉन का। तो आपको पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो खोज किए थे कौन, गोल्डस्टीन साहब, किसने किए थे, गोल्डस्टीन साहब। और जब नामांकन की बात आती है तो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटॉन के नामांकन की बात किए थे, किसने किए थे, रदरफोर्ड साहब, किसने किए थे, रदरफोर्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम है एनरस्ट रबर रदरफोर्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कहानी खत्म। इसके बाद आता है आपका को न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के बारे में बताए थे जेम्स चैडविक साहब कि ये इलेक्ट्रॉन तोड़कर निकाल दिए और ये प्रोटॉन खोज कर निकाल दिए, दोनों पे प्लस और माइनस आवेश की चर्चा हो गया। ये बात बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दो बातें कह दी थी, एक होता है पॉजिटिव एक होता है निगेटिव, तो अब तो दो ही आवेश की बात किया, अगर कोई तीसरा आवेश ये बोलते तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब गलत हो जाते। इन्होंने कहा कि ऐसा चीज खोजा, कहा कि उस पर कोई आवेश ही नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है। आवेशहीन होने का मतलब जब प्रोटॉन कब होगा ये बात हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किए थे ये जेम्स चैडविक, कौन थे, जेम्स चैडविक। ठीक है, देखिए आराम आराम से सारी चीजों को देखिए और सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उस पर आपको एक लेक्चर अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, आप जरूर बोलिए। ठीक है, और अगर आपको पूरी इससे भी एनालिटिकल बातों में पढ़ना है और इसके पूरी जानकारी आपको लेना है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस अच्छे से पढ़ना है और उसके प्रैक्टिस के साथ और वीडियो एनिमेशन JF के साथ अगर पढ़ना है तो हमारे साथ ये आपका देख रहे हैं ये कॉल करिए इस नंबर पर और आप जानकारी लेकर के क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपका वेबसाइट है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ये तो बात हुआ कि आपको क्या करना चाहिए और आपको याद रखिए कि अगर आपको इसी तरह के टॉपिक आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करके इजी वे आप क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम आपके लिए आपके बातों का कोशिश यथासंभव रहेगा कि आपके उस टॉपिक के बारे में एनालिसिस करके हम आपको बताएं। ठीक है, चलिए जेम्स चैडविक साहब ने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। तो तीनों कहानी हम देखें, चलिए इसको लिख भी लेते हैं और कभी कभी याद रखें कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे हल्का होता है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हल्का क्यों होता है। ये देखिए तीनों का खोज, तीनों के बारे में ये आपको मेंशन कर दिया गया है, आप इसे लिख सकते हैं। जे.जे. थॉमसन 1897 ईस्वी में इनको खोज किया और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन, और नामांकन किए थे कौन, रदरफोर्ड साहब, और कहते कब, 1911 से 1920, इस पूरे प्रक्रिया में इतने दिन लगे। 1911 में गोल्डस्टीन साहब ने खोज के रख दिए और उसके कुछ दिनों बाद
क्या देखिए 9 साल के बाद 2019-20 यानी 1920 ईस्वी में इसका नामांकन किसने किए, ये रदरफोर्ड साहब ने किए, ठीक। और 1897 ईस्वी में खोज हुआ, जेम्स चैडविक साहब फिर उसके बाद आए कि सारे लोग खोज रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे, है ना, उनको भी कुछ खोजना था, उन्होंने भी खोज लिया। क्या खोजे, वो खोजे न्यूट्रॉन, और इसकी खोज कब हुई 1932 ईस्वी में। 12 साल के बाद इसको भी याद आया कि चलो इसी बारे में हम भी कुछ ना कुछ ज्ञान दे दे, ठीक है, तो अच्छी बात है। तो उसी के ज्ञान की वजह से आज हम लोग अपना ज्ञान ले रहे हैं और ज्ञान का उपयोग करेंगे। ये आपका 1932 ईस्वी में हुआ, और याद रखिएगा कि सबसे हल्का इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे हल्का होता है, और सबसे भारी होता है कौन, आपका न्यूट्रॉन। कौन होता है, न्यूट्रॉन सबसे क्या होता है, भारी होता है। देखिए भारी और हल्का की बात करें तो कंपैरिजन हम लोग किससे करते हैं, हाइड्रोजन एटम से करते हैं, किससे करते हैं, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कितना गुना अधिक होता है भारी, तो कहीं पर 1839 गुना लिखा होता है, ठीक है, 1839 गुना किससे, याद रखिएगा कि ये भारी होता है 1839 गुना इलेक्ट्रॉन की तुलना में हाइड्रोजन से, याद रखिएगा। और ये आप कह रहे कितना हल्का ही होता है, तो ये अभी 1/1839 गुना, कहीं पर 40 कहीं पर 38 लिखा होता है, तो याद रखिए 1839 इतना हल्का होता है, यानी कि इतना इससे 1839 गुना न्यूट्रॉन क्या होता है, भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये आपके खोज किसने किया। अब कहें सर आपने तो इलेक्ट्रॉन खोज लिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी चाहिए ना आपको कि अरेंजमेंट कैसे होता है। तो आइए अभी इसको क्लीन करते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ व्यवस्थित होता है और कैसे अरेंजमेंट होता है और कहाँ कहाँ इसका काम क्या है। देखिए लिखा हुआ है सबसे भारी, ठीक है, आइए एक चीज हम लोग करते हैं कि एक पदार्थ को तोड़ करके हम लोग क्या बनाया, एटम बनाया, पहले अणु, अणु को तोड़ करके परमाणु बनाए। तो एक एटम का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिएगा ये कहां से आया, पदार्थ के विखंडन के बाद आया, ठीक है। तो थोड़ा सा बीच में एक एनालिटिकल वीडियो आपको दिखाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये एटम कहां से आया, ठीक है, अभी जस्ट दिखाते हैं आपको। देखिए ये एटम जब हम आपको दिखा रहे थे वो कहां से आया है, इसका थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, तब आपको स्मरणीय रह जाएगा, अस्मरणीय कहिए या विस्मरणीय कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। आइए तो शुरुआत करते हैं। देखिए ये एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करें, देखिए यहां पर क्या है, एक चीट, ये सारी सारी चीटी है ना, देखिए एक चीटी है और ये चीटी क्या ले जा रही, एक पदार्थ का टुकड़ा ले जा रहा है, क्या ले जा रहा है, एक पदार्थ का टुकड़ा। इस पदार्थ के टुकड़े में, इसी पदार्थ को हम लोगों ने देखा था कि वैज्ञानिकों तोड़ करके, साइंटिस्ट ने इसे तोड़ करके क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया, अणु बना दिया, और अणु के विखंडन के बाद क्या बना दिया, इसको परमाणु बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये एक एक चीज हम आपको दिखाएंगे अभी जस्ट, और नए तरीके से नए दुनिया की तरफ से ये पदार्थ ये सारे के सारे अणु से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, उसके बाद ये सारे के सारे मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, सारे के सारे एटम होते हैं। ये देखिए ये जो आपको एक एटम हमने दिखाया वो इसी पदार्थ में नीट होता है, एडजस्टमेंट होता है, ये एक एटम हो गया, ठीक है। और याद रखिए कि ये जो एटम है, ये सारे के सारे एटम किससे मिलकर बना, ये देखिए ये एक एटम है, ठीक, और इस एटम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, अरेंजमेंट होता है ये। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर एक एटम में निहित होता है, इसमें से एक एटम निकाल लेंगे और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। तो यही से पदार्थ को विखंडित करके अणु बनाए, अणु को विखंडित करके परमाणु बनाए, और परमाणु में तीनों चीज व्यवस्थित था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसका सेंटर होता है, ये सारी चीज देखिए यहीं से आप ये एक एटम निकाल करके वहां रखें। जैसे आप देखते होंगे एटम एटम, तो आपको अंदाजा लग गया है कौन सा पार्ट है, इसके अंदर में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, देखिए ये एक है, ठीक, इसी में तीनों चीजें होती है, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो तीनों का पता लगा था कि ये परमाणु के विखंडन से है, तो परमाणु में
तीनों जो अरेंजमेंट होता है इस कोई भी पदार्थ दुनिया का हो उसका क्या होता है, अपना सेंटर होता है। क्या होता है उसका सेंटर होता है। और याद रखिए कि सेंटर में ही क्या होता है, यहां पर याद रखिए न्यूट्रॉन होता है और ठीक है एन, और दूसरा होता है प्रोटॉन। क्या होता है प्रोटॉन यानी पी, ये कहां होते हैं नाभिक में। इस सेंटर को नील्स बोर साहब कहते हैं ये क्या है नाभिक है। क्या है नाभिक, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है। क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं सेल बोलते हैं या कक्षा बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है इसका भी चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा बात यही एक एटम का चर्चा हम लोग आगे वहां करेंगे ठीक। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कंप्लीट, अगर देखें सर तो दिखा तो दीजिए ठीक है, देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले क्लीन कर देते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कभी कभी ये जो आपको ब्लू कलर का दिखता है ना तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा ये पॉजिटिव और ये कलर देखिए ग्रीन कलर है और ये वायलेट कलर है, वायलेट प्रोटॉन का है। और ये जो ब्लू कलर दिखता है तो याद रखिएगा कि नीला कलर से प्रदर्शित करते हैं किसको इलेक्ट्रॉन को, किसको इलेक्ट्रॉन को, और वायलेट कलर से प्रोटॉन को, और ये ग्रीन कलर के किसको न्यूट्रॉन को ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा गया इलेक्ट्रॉन कलर को प्रदर्शित किया जाता है किससे ब्लू यानी नीला से ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। ये सारे के सारे ये कैसे अरेंजमेंट किए इसी के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो ये दिए थे ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बोर साहब ने दिए थे। और नील्स बोर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार ग्रह गति नियम करता है, ग्रह गति करता है चारों तरफ घूमता है सारे ग्रह चक्कर काटते हैं सूर्य के चारों तरफ, ठीक उसी प्रकार आपके इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं चक्कर काटते हैं। इसके बारे में किसने बताते हैं नील्स बोर साहब ने। और इसी के बारे में इसी इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की कहानी में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इसी इलेक्ट्रॉन थ्योरी को ध्यान दीजिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है एक हम लोग जो ज्यादा प्रयोग करते हैं वो नील्स बोर साहब का थ्योरी प्रयोग करते हैं क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थ्योरी है लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में प्रयोग करेंगे किसका सीधा सीधा किसका नील्स बोर साहब का। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काटता है वो रहता कैसे अरेंजमेंट है, और ये जो चक्कर काटता है तो चक्कर काटने के भी कुछ नियम है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए चक्कर काटने का भी कोई नियम है, और कोई चक्कर काटता है सब कुछ देख के काटता है, हो सकता है कब बाहर जाना पड़े और कब अंदर जाना पड़ेगा, कब ठुकाई हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो वोर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे तो सभी कक्षाओं में चक्कर काटेंगे, और सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने के संख्या क्या होंगे निहित होंगे यानी कि लिमिट होगा ठीक है। आइए अभी हम लोग वहीं चलते हैं कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे और कैसे घूमता है वो देखते हैं ठीक है। चलिए नील्स बोर साहब ने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है यानी ये जो सेंटर घूमता है छोटे से सेंटर में बात करें नाभिक में बात करें तो ये आपका क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए ये दोनों दिशाओं में चक्कर काटता है एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी। कुछ कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे, कुछ कक्षा में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे, और जो बाहरी कक्षा में होगा सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा वो लगभग क्लॉकवाइज चक्कर काटेंगे। अभी देख लीजिए आप, तो ऐसी स्थिति याद रखिएगा कि याद हो गया, अब याद इतना ही नहीं आपको दिखा देने हैं भाई ठीक है ना, तो देख के भी आप हमेशा याद रखिएगा। तो हमने एक पदार्थ का एक एटम निकाल करके यहाँ रखा है, वो पदार्थ वो एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट जो लिया गया है वो क्या है एल्यूमिनियम है। क्या है एल्यूमिनियम ठीक है, और एल्यूमिनियम के बारे में आप जानते हैं और एल्यूमिनियम विद्युत में उपयोग करने वाला पदार्थ एलिमेंट। एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 13 लिखा गया है, कितना 13 ठीक है। और अब बात करें कि नील्स बोर साहब के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी की चर्चा करें तो उन्होंने कहा कि ये तो अरेंजमेंट आपको बता ही दिया, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वह उसके कक्षाओं में लिमिट होता है, कौन सी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा उसके लिए एक फॉर्मूला दिए उन्होंने, किसने नील्स बोर साहब ने कहा कि सभी कक्षाओं में
सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो चक्कर काटेगा वो होगा 2n स्क्वायर। क्या होगा? 2n स्क्वायर। अब ये 2n स्क्वायर क्या है? तो हमने कहा ये आपका सेंटर है। सेंटर मतलब इसको हम लोग नाभिक कहते हैं। नाभिक के बाद क्या कर सकते हो? न्यूक्लियस कह सकते हो। और ये जो आपका ये सब दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे ऑर्बिट हैं। ऑर्बिट यानी कक्षा है, ठीक है, या इसको सेल कह सकते हैं। और इस सेल है, कक्षा है, तो कक्षा का नाम होगा। तो पहले सेल के उन्होंने क्या बोले, पहले सेल को ये बोले कि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर डिस्टेंस से दिखा हुआ है डिटेलिंग। पहली कक्षा उन्होंने के नामांकन की, किसने? के, उसके बाद एल, एम, एन, ठीक उसी प्रकार बढ़ते रहेंगे। कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आधार पर, इसके परमाणु संख्या के आधार पर ये कक्षा क्या होगी? बढ़ती हुई रहेगी, ठीक है। तो के सबसे पहली कक्षा, उसको एक से प्रदर्शित किया, दूसरी कक्षा को दो से, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, तो इसका नाम दिया एन सेल, के सेल, एम सेल, पी सेल। ये सभी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे ये डिपेंड करेगा उसके परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। तो क्या, कैसे? तो फॉर्मूला में लिखा 2n स्क्वायर। n का मतलब कक्षाओं की संख्या, 1, 2, 3, 4, ठीक। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर ये देखिए, अब हम लोग बात करें कि मान लीजिए अभी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एटम लिए, ठीक है, इसका एक एटम, इसके एटॉमिक नंबर है 13, परमाणु संख्या कितना? 13 है। तो इस सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, इसका मतलब पहले सभी कक्षाओं में देख लेते हैं, जिससे पहली कक्षा को K बोलते हैं ना, और दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा को N, और आगे O और P, इसी तरह से क्या होगा, बढ़ता जाएंगे। अगर ये कह रहे हैं कि सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे तो 2n स्क्वायर, सभी में 2n स्क्वायर बोल दिए, 2n स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये 2 है और पहली कक्षा में होगा तो n का मान क्या होगा? पहली कक्षा में होगा तो n का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। फिर 2 दूसरी कक्षा में होगा तो 2 का स्क्वायर। तीसरी कक्षा में होगा तो n का मान क्या होगा? 3 का स्क्वायर, ये होगा ना जी। अगर चौथी कक्षा में होगा तो n का मान 2×4 पर स्क्वायर। फिर पांचवी कक्षा में होगा तो 2×5 पर स्क्वायर। इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, 3×3=9, 2×9=18, ये हो जाएगा 8×4=32, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कि 5×25=50, इसी तरह बढ़ता जाए। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32 और आगे 50, उसमें फिर 2×, छठी कक्षा होगी तो 36×72 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर काट रहे हैं, अभी हम आपको बिना बताए आपको दिखा रहे हैं कि देखिए पहली कक्षा में 2 है और दूसरी कक्षा में देखिए 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और तीसरी कक्षा में देखिए 3 है, टोटल 13 हो गया। इसी आधार पर ये 2, 8 और जो बचता है उसके लास्ट में लिखते हैं। आइए थोड़ा सा ये देख लीजिए। अब इसके बाद एल्यूमिनियम की चर्चा करें, देखिए अब इसके आधार पर एल्यूमिनियम की चर्चा करें तो यहां लिख दीजिए एल्यूमिनियम, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या है आपका 13, है ना, 13 है। और याद रखिए ये 13, तब यहां से पहली कक्षा में कितना होता है? 2, तो कक्षा यहां भी लिख दीजिए के एल एम एन, अभी जितना उतना ही लिखते हैं, 13 है, जिसको अपन क्या करिए, पहली कक्षा में 2 और तीसरी कक्षा में, सॉरी दूसरी कक्षा में 8, हो गया 10, था 13, बच गया 3, तो अंतिम कक्षा में कितने बचे? 3। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 13, ये तो आपको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये पूछता है कि इसके बाहरी जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। तो याद रखिएगा जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये जो बाहरी कक्षा में चक्कर काटता है, सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर काटेगा, वही इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होगा किसके लिए? विद्युत को प्रवाहित करने के लिए, किसी भी तार में बहने के लिए, यानी विद्युत का जो मेन फंडामेंटल
जिसकी नीडेड है, जरूरी है, जिस पर जो जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो होता है बाहरी कक्षा, ठीक है, जो बॉर्डर के पास सबसे लास्ट में है, समझिए वो जिम्मेदार होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम का, 3, ठीक है। अगर इसके आधार पर कोई दूसरा भी ले लें, ठीक है, सारी चीजें लोग देखेंगे कि कौन जिम्मेदार होगा कौन जिम्मेदार नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो भी इसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। आइए तो आगे बढ़े, कोई और एलिमेंट ले लीजिए, ठीक, इसको क्लीन करते हैं। चलिए देखिए, एक एलिमेंट है, ये है आपका सिल्वर। सिल्वर मतलब एजी, एजी होता है सिल्वर यानी चांदी, और याद रखिएगा ये सबसे सुपर कंडक्टर के नाम से जाना जाता है, विद्युत में सबसे अच्छा सुचालक की अगर बात करें वो होता है चांदी, ठीक है, ठीक है। आइए एटॉमिक नंबर इसका होता है 47, कितना होता है 47, ठीक है। सिंबल होता है एजी, एजी इसलिए होता है, याद रखिएगा कि इसका जो लैटिन नाम होता है वो होता है अर्जेंटीनम, क्या होता है अर्जेंटीनम, इसीलिए अर्जेंटीनम का सबसे पहला क्या रखें, लैटिन नाम रखें ए जी, इसको बोलते हैं ए जी से सूचित करते हैं, सिल्वर को एस से करते सर, लेकिन नहीं, ये अर्जेंटीनम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए सिल्वर का लैटिन नाम भी आपको याद हो गया। अब कहें सर इसकी अगर परमाणु संख्या कितनी है, 47 है, तो इसका विन्यास भी निकाला जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, चांदी एक चमकीली धातु और बहुमूल्य धातु है, इसका चिन्ह क्या होता है एजी, और लैटिन नाम होता है अर्जेंटीनम, जो अभी हम आपको लिखे अर्जेंटीनम, और परमाणु संख्या 47। इसमें यह भी चीज लिखा हुआ है, इसका परमाणु द्रव्यमान भी दिया है, ठीक है, 107.8682 यूनिट, ठीक है। और इसका गलनांक, गलनांक कहेंगे सर देखिए, जिसके बारे में सुपर हो, वो सुपर के बारे में हर कोई आदमी जानना चाहता है, तो सबसे अच्छा सुचालक है, इसीलिए इसका नाम हम लोग जान रहे हैं, ये होता है। इसके बारे में इलेक्ट्रॉन की विन्यास की बात करते हैं, तो आते हैं चर्चा करते हैं पहले, ये देखिए 961.8 डिग्री सी हो गलनांक, गलनांक क्या होता है सर कि ये इतना डिग्री पर क्या होगा, चांदी क्या होता है ठोस होता है, ये क्या होगा लिक्विड में बदल जाएगा, कितने तापमान के बाद 961.8 डिग्री सी अगर आप टेम्परेचर देते हो तो क्या होता है गलनांक, इसका ये पानी के रूप में आ जाएगा। विन्यास की बात करें तो 47 है, ये हो जाएगा 2, 8, 18, 18, ये हो जाएगा 1, या 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे सर, कुछ लोग कहेंगे सर 18 18 क्यों दे दिए, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, जिसको आपको क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि 2, 8, 18, 32, 50 ये अपना 4 साहब के अकॉर्डिंग सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर आपको ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर याद रखिए 17 हो जाए, तो 17 हो जाएगा ना, तो आप 2, 8, 10, 7 लिख देते हैं, ठीक है। अगर 19 हो जाए परमाणु संख्या, तो 2, 8, 10, 8, 18 हो जाए, ये तब 1 लिखेंगे आप, क्योंकि कुछ नियम होते हैं कि जब फुलफिल ये 18 नहीं कर पा रहा है, अगर ये 8 हो रहा है, अष्टक पूरा कर रहा है, पहले अष्टक को फुलफिल करेंगे, ठीक। उसी प्रकार यहां भी क्या हो गया कि 8 नहीं 18 आ गया, तो 18 ये इसका लास्ट ऑर्डर की कैपेसिटी है, तो 18 18 कर दिए, और उसके बाद जो बचता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो देखिए ये आपका एजी है सिल्वर है, इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 1। ये बात हमेशा याद रखेगा, क्योंकि यही आपको बताएगा कि किसके परमाणु संख्या और किसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो वो विद्युत के लिए सुचालक होगा कि नहीं होगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सघनता, सघनता मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है आपका घनत्व, ठीक है, घनत्व यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है।
और द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को इसमें लिखा है इसने ग्राम में, और आयतन होता है सेंटीमीटर क्यूब में, इसीलिए इसके इकाई हुए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी कितना होता है 10.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किसका, चांदी का यानी सिल्वर का, ठीक। ये आपको ये एक एटम, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि यह सबसे तन्य धातु है, तन्य मतलब क्या, इसे पतला पतला बना करके बहुत दूर तक खींच सकते हो, जैसे एक हाथ का चांदी का थोड़ा सा रॉड है तो समझिए कि बहुत दूर तक उसको खींच सकते हो, ठीक है, यानी तन्य होना चाहिए, होता है ये। और कह रहा है कि इसका उपयोग, दूसरा बात है कि आप बिजली में प्रयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि सर तार में नहीं, ये जो आपके गली मोहल्ले में तार होते हैं ना उसमें नहीं करते हैं, उसमें करेंगे ना पता चलेगा आज लगाएं कल खलास। इसका उपयोग आभूषण बनाने में भी करते हैं, और चांदी सर्वाधिक उपयोग में विद्युत चालक के आधार पर यह है, और इसके उष्मा भी क्या होते हैं, उष्मा का भी क्या होता है, सुचालक होता है, कौन, चांदी। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके विन्यास याद रखिए हमेशा, अब ये सारी चीज याद होगा तो आपको या दो था ना या एक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, अब कोई दूसरा आइटम लेते हैं भाई, ठीक है, ये दूसरा आइटम मान लीजिए कॉपर ले लेते हैं, क्या, कॉपर, कॉपर यानी तांबा, ये भी विद्युत का सबसे अच्छा, क्या होता, सबसे अच्छा नहीं, चांदी के बाद यही सबसे ज्यादा कुचालकता, सॉरी सुचालकता रखता है। तो ये कॉपर है, और कॉपर का परमाणु संख्या होता है क्या, ये सूचित करते हैं सी यू सी, और परमाणु संख्या होती है 29। तो आइए इसका विन्यास निकाल के देख लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही बात करते हैं। देखिए इसके विन्यास यानी ये हो जाएगा ना, तो अपना के एल एम एन, ठीक है ना, पहली कक्षा के एल एम एन ओ, ठीक है, तो के में दो, ये 29 है टोटल, तो जाएगा 2, 8, 10, 18, 28 हो गया और एक। तो कॉपर के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एक, ठीक है, यानी इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, एक। ये बात हमेशा कन्फर्मली याद रखिएगा कि आप जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी में जो सारी चीज़ें प्रयोग की जाती है उसके बारे में जानकारी आपको रखना जरूरी है, क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके माध्यम से यहाँ देख लीजिए, इसका संकेत सीयू, कॉपर की परमाणु संख्या इतना, परमाणु भार 63.5 होता है, ये याद रखिएगा। कह रहा है यह तन्य धातु होता है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में प्रधानता से किया जाता है, मतलब अच्छे से किया जाता है। सीयू इसका ये विन्यास यहाँ भी लिखा गया है, परमाणु संख्या 29, और इसका जो गलनांक होता है 10.85°C होता है, और परमाणु द्रव्यमान जो लिखा हुआ है, और इसकी डेंसिटी भी लिखा हुआ है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 96 बोले तो पॉइंट के बाद 96 नहीं बोलते, 96 बोलते हैं, समझने के लिए आपको बोले, ठीक है। ये कॉपर याद रखिए, इसके इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, ठीक। आगे बढ़े आइए, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए तो ये आपका क्या है, एक और एलिमेंट लिए, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम दो, तो ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन ध्यान दीजिएगा, क्या, सिलिकॉन, और सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2, 8, 10, 4, 14, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4। उसके बाद बात करें हम लोग जर्मेनियम का, ये देखिए यही है ना, ये सबसे ज्यादा यही देखिए उपयोग किए जाते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो आप माइक्रो एसडी कार्ड बनाते हैं, जैसे कहते हैं कि चिप बोलते हैं या मेमोरी कार्ड बोलते हैं, उसका जो चिप होता है ये चीज का बना होता है, किसका, सिलिकॉन का, इसका भी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए ये क्या, जर्मेनियम, जर्मेनियम की परमाणु संख्या होता है क्या आपका 32 होता है, क्या होता है 32, और देखिए 2, 8 और 18, 28, 4, 32। देखिए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, कितने, 4 है। ये अभी 1, 2, 3 देख रहे थे, अब एकाएक 4 आने लगा, देखेंगे सबका चर्चा करेंगे, आप चिंता मत करिए। अब थोड़ा और एलिमेंट ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देख रहे हैं, देखिए अब हम लोग बात करें, ये सारे आपका एलिमेंट तत्व क्या है, ये पहला नाइट्रोजन है, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन लिख देते हैं,
वैसे भी इस पर लिखा हुआ नाइट्रोजन, ठीक है। इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, इसका जो विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2-5। ये आपका ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 और परमाणु भार लगभग 16 के बराबर होता है, 15.999 है ऑक्सीजन का 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो 2-6, ठीक है। इसके बाद फास्फोरस है, क्या है? फास्फोरस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फास्फोरस, इसकी जो परमाणु संख्या कितना है? 15 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए तो 2, 8, 10, 5, 15, ठीक है। और इसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 5। उसका आया आपका सल्फर, सल्फर कितना है? 16। और इसकी परमाणु संख्या की बात करें तो एटॉमिक विन्यास निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो गया? 2, 8, 10, 6, 16। देखिए इधर देखिए 5, 6, 5, 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है? यानी जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 5, 6, 5 है। ये सब इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। आप इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं सर? कि इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि इसी पर आपको समझ में आएगा कि किस पदार्थ से विद्युत प्रवाहित होगा, किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन चलेगा आराम से, किस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ही चलना होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इसलिए कौन विद्युत के जिम्मेदार होगा? वो होगा अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे? रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आइए आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। अब ये तीनों चीज एक साथ हम कंपेरिजन करते हैं, पहले आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, पर आज चलते हैं आगे। देखिए अब इसमें अभी हम क्या बताए, इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पर डिपेंड करेगा कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत प्रवाह होने देगा कि नहीं होने देगा, कोई कम जाने देगा कि या कोई जाने ही नहीं देगा। तो ये आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये देखिए अभी हम क्या देखें, 3-4 चीज ली है, ठीक है, सबको इसमें लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते एल्यूमिनियम, ठीक है, Al एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 3 था, ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद हम लोग लेते क्या? चांदी, Ag, सुनिए कितना? 1 इसके बाहरी कक्षा में। और एल्यूमिनियम के बाद ये आया था अपना कॉपर, जिसमें कितना था? 1, ठीक है। अब इसके बाद और सब देख लेंगे, बाकी तीन ही लिए अभी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए कि इसके बाद अपन क्या लिए? सिलिकॉन लिए, है ना। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना था? 4। अब इसके बाद अपन क्या लिए? जर्मेनियम लिए। जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 4। उसके बाद हम लोग देखे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। तो देखिए इसका 7, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, और 8 है इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 6, 8, और सल्फर था तो 2, 8, 10, 5, 15, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, सल्फर 16 था तो 2, 8, 10, इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 6। ये सारी चीजें आपको समझ में आना चाहिए। आइए अब सर ऐसा क्यों लिखे, क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये तो पहले भी बता दिए। देखिए इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1, 2, 3, 4, 3 हो, 1, 2 या 2, 2, 3 ये हो, वो सारे सारे कहलाते हैं आपको चालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चालक, चालक यानी कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं। और जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है वह आपको अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ध चालक यानी सेमी कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेमी कंडक्टर। और जिस भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 6, 5 यानी 5 से 4 से अधिक होता है, वो सारे के सारे आपके इंसुलेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर, ध्यान दीजिएगा,
इंसुलेटर यानी इसी को कुचालक कहते हैं, कुचालक, ठीक है, ठीक, कुचालक कहते हैं। तो एक चीज आपको बताएं, सीधा सीधा कहेगा कि जो सिलिकॉन है उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, चार। तो कहेगा वैसे एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है वो सबके सब क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। निम्नलिखित में से आपको पूछ लेगा कि जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चार है वो क्या कहलाता है, अर्धचालक। इसमें से इसका एग्जाम्पल कौन है, तो सिलिकॉन, जर्मनियम और सारे होते हैं, ये आपको एग्जाम्पल में बता रहे हैं। देखिए जो चालक होता है उसी में इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करता है, प्रवाह करता है, और जो अर्धचालक है नहीं चालक है नहीं कुचालक है। वैसे आप सीधा सीधा बात कर सकते हैं मेटल नॉन मेटल और ये बात कर रहे थे, ठीक है, मेटल नॉन मेटल दोनों, ये भी आप जान सकते हैं। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं तो ये समझ सकते हैं कौन धातु है और कौन अधातु है। जो भी धातु होगा लगभग उसमें विद्युत का प्रवाह होगा ही होगा, ठीक है। तो धातु होगा कौन, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तीन तक हो कम से कम, और जो मिश्र धातु की बात करें, उपधातु की बात करते हैं हम लोग, वो आता आपका चार, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा जानकारी आपको रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका ये ध्यान दीजिए, नोट करिए। अब एक चीज हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, तो उसको क्या क्या लिख देता है, यहां पर देखिए, ये चालक है ना, तो चालक को नया नाम क्या क्या देता है, पहले तो कंडक्टर बोला, हिंदी में भी लिख देगा, दूसरा निर्वाहक बोल देता है, निर्वाहक लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो पढ़ते रहिएगा नाम।